As opposition continues to oppose unfurling of Tiranga at Lal Chowk, listen in to Sunita Arora, a resident of Jammu who raised Bharat Mata ki Jai slogans and even tried to unfurl the tricolour at the Lal Chowk. Sunita Arora lashes out at the opposition and has said that Lal Chowk is not for separatists or raising anti-India slogans. There's a massive chorus now building for Tiranga at Lal Chowk. Jammu resident does what Congress won't. She unfurled the national flag at Lal Chowk, also raised Bharat Mata Ki Jai slogans. Right now we are joined by Sunita Arora, who shot into prominence August 15, 2017, when she dared separatists and PAK proxies by raising tricolour at Lal Chowk. Welcome to Times Now. In fact, this time also the government is planning to raise tricolour at Lal Chowk. But opposition feels ki that this will be like provoking people of Kashmir Valley. So how do you react to this situation? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है. अगर कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है तो वहाँ पे ट्राइकुलर होस्ट करने में आपत्ति क्या है? हमारे अपोजिशन में जो है या दूसरी पार्टीज जो है, क्या वो उनका ये मानना है कि जो लाल चौक है या जो श्रीनगर है वहाँ पे सिर्फ अलगाववादियों को झंडा चढ़ाने देना चाहिए या वहाँ पे सिर्फ वो झंडे चढ़ने चाहिए जो एंटी नेशनल झंडे हैं? अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में तिरंगा क्यों नहीं लहराया जाएगा? क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है. वहाँ पे हमें चाहिए कि हर जगह पे तिरंगे लहराए जाए, क्योंकि तिरंगा तो शांति का प्रतीक है. जब आपने तिरंगा लहराया था तब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम? देखिए, विडंबना ये है कि कश्मीर में हमेशा हिंदुस्तानियों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. अगर देखा जाए तो हर वक्त अगर कोई वहाँ पे देशभक्त जो जाता है, वो देशभक्ति का प्रतीक वहाँ पे देना चाहता है तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, जिस तरह से मुझे अरेस्ट कर दिया गया था जब मैंने लाल चौक में तिरंगा लहराना चाहा. दुख तो इस बात का हुआ कि मेरे हाथ से तिरंगा ही ले लिया गया, और जब तिरंगा ले लिया गया तो मैंने भारत माता जय के नारे लगाने शुरू कर दिए. वहाँ से लोग भी बाहर आए, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया, मुझे घंटा डेढ़ घंटा वहाँ पे रख लिया गया. तो क्यों, ऐसा क्यों है? तो कभी आपके मन में सवाल उस समय आया था कि आपने क्या गलती करी है? आपने तो देश का तिरंगा चढ़ाने की कोशिश की थी, और हर भारतीय के लिए गौरव का बात होती है कि आप तिरंगा चढ़ाएंगे. देखिए, मैं उस मोमेंट को भूल नहीं सकती हूँ. वो टाइम मेरे लिए ऐसा टाइम था कि मैं अपनी देशभक्ति का इजहार करना चाहती थी अपने ही हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा था. तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है कि ISI के झंडे वहाँ पे लहराए जाते हैं, लेकिन हमारा तिरंगा वहाँ पे हमें नहीं लहराने दिया जाता है. दुख की बात यह है कि हमारे जो नेता है, जिनको हम लाते हैं, जिन्हें हम कुर्सियों पर बिठाते हैं, वही इस तरह के आदेश देते हैं कि अगर यहाँ पे कोई तिरंगा लहराता है उसे डिटेन करें आप. मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? अगर उस वक्त गवर्नमेंट PDP की थी तो PDP सरकार ने मुझे उस वक्त वहाँ पे ट्राइकुलर होस्ट नहीं करने दिया. आज अगर अमित शाह जी यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ उन्हें आना चाहिए, उन्हें वहाँ पे तिरंगा लहराना चाहते हैं, हम जैसे देशभक्त उनके साथ हैं. आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन अपोजिशन पार्टी लीडर्स को जो कि कहते हैं कि BJP कहीं ना कहीं सियासत कर रही है तिरंगा लाल चौक में चढ़ा के? आपको क्या लगता है कि ये सियासत है या देशभक्ति? पहले तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, क्या अपने देश का तिरंगा लहराना, अपने देश का झंडा लहराना सियासत है? अगर वो सियासत है तो पाकिस्तान का झंडा वो लोग क्यों लाल चौक में लहराने देते हैं? उसे सियासत नहीं मानते? उसे देश के टुकड़े करना नहीं मानते? क्या जरूरी है कि हमारे कश्मीर के टुकड़े हो जाए? क्या जरूरी है कि हमारे युवाओं में वो जो मानसिकता है उत्पन्न हो? उनमें ऐसी मानसिकता क्यों नहीं बढ़ते हैं कि ये देश हमारा है, इस देश का जो झंडा है वो हमारा झंडा है? इस पे क्यों हमेशा सियासत होती है? सियासत अगर करनी है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे सियासत करिए आप, लेकिन इस पे सियासत मत करिए. अपने युवाओं को ये बताइए, ये हमारा देश है, ये हमारा तिरंगा है, ये हमारा झंडा है, इसे यहाँ लहराना है. सुनीता इज क्वाइट सपोर्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोग्राम ऑफ होस्टिंग ट्राइकलर एट लाल चौक. शी सेज दैट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दे हैड टेकन, एंड शी इज हिटिंग आउट एट अपोजिशन. शी सेज दैट लाल चौक इज नॉट फॉर पाक प्रॉक्सीज, बट लाल चौक इज फॉर पैट्रियट्स
and this is going to in fact erase distance that is existing between Lal Killa and Lal Chowk. Pradeep Dutta with Amit Bhardwaj for Times Now. Let's now go across to Pradeep Dutta, our senior editor, who spoke to Sunita Arora. And it was in 2017, as you also pointed out, that, and we are playing out pictures, in fact, when Sunita Arora raised Bharat Mata Ki Jai slogans and tried to unfurl the tricolour. And she's describing how upset she was when she was not allowed. But she is slamming. Now when the chorus is growing, Pradeep, for Tiranga at Lal Chowk, she's slamming the opposition's agenda. She's slamming the fact that the opposition is questioning the intent of the government. Yes, in fact, she is slamming all those people who are saying that hoisting of tricolour will be provoking Kashmiris. There were some people who even questioned that BJP is trying to play politics over the issue. She said that this is not politics, this is patriotism, and don't try to mingle these two things together. He said they don't have problem with if Hizbul terrorists are coming and taking selfies at Lal Chowk. They don't have problem with if separatist leaders are organizing protests at Lal Chowk, but they have a problem if somebody is going to hoist tricolour, because since 2009 tricolour was hoisted. First time it was in 1992 when Murli Manohar Joshi, along with then BJP Karyakarta Narendra Modi, now Prime Minister of the country, they went to that place. After that it was regularly hoisted, but all of a sudden from 2009 somebody stopped that. Maybe it was a direction that came from UPA side. In 2011 Umar Abdullah didn't allow Taranga Yatra that was started by BJP. All the three BJP leaders were arrested, and that time see who supported them. Then Home Minister P. Chidambaram supported Umar Abdullah for not allowing BJP leaders to hoist tricolour. See what kind of politics these people had been playing, unnecessarily trying to prevent patriotic Indians to go and hoist a tricolour. When you say Kashmir is an integral part of India, then why you're stopping people from hoisting tricolour there? She wants that now BJP leaders should come over to Kashmir Valley, hoist tricolour, and she wants to be part of that function. Because at the end of the day, it is only going to evaporate physical as well as psychological distance that has been existing between Lal Killa and Lal Chowk. Absolutely. Because people had been waiting yes, for this and, moment. Yes, and the point here is, Pradeep, why would it provoke people? Jammu and Kashmir is a part of India. It's an integral part of this country. Lal Chowk, Srinagar mein aata hai. Wahan par jhanda phehrane se koi provoke kyun hoga? Wahan par jhanda phehrane se kisi ke bhi sentiments hurt kyun hone chahiye? See, I think they are looking towards that vocal minority who often set an agenda of Kashmir. They never ever try to feel pulse of silent majority. That had been the biggest ever mistake committed by Congress as well as its allies. That is why Mr. Memon, when he was yesterday talking to Times Now, he said this is going to provoke Indians. How come it is going to provoke Indians or the Kashmiris? Because people of Kashmir Valley have always kept tryst with democracy. Yes, they have always kept tryst with democracy. Then of course there are those. There are those who are trying. Yes, Pradeep, you know, of course then there are those who don't want the real Kashmiri voices to be heard.